होममेड सोया चाप स्टिक बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा तो मैदा यहाँ हम ले लिए हैं एक कटोरी आप चाहें तो इसमें आधा आटा आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा तैयार करेंगे और आटे को लगाने के बाद हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से, से सेट हो जाए और बढ़िया से मतलब मिल जाए इसको गूथना नहीं है बस मतलब आटा लगा देना है ऐसे ही सख्त और लगा के छोड़ देना है आधे घंटे के लिए तो यहाँ देखिए आटा हमारा तैयार है दूसरी तरफ हम ले लिए हैं न्यूट्रेला तो यहाँ देखिए सोयाबीन हम अच्छे से भिगो दिए थे पहले मतलब रात में ही भिगो दिए थे सुबह हम बना रहे थे अगर आप शाम को बना रहे हैं तो सुबह भिगो दीजिए मतलब भिगो के रख दीजिए दस से बारह घंटे के लिए वैसे तो ये तीन से चार घंटे में मतलब फूल जाता है यहाँ हमारे उंगली में लग गया था इंक तो छूट नहीं रहा था तो वही हम दिखा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है मतलब इंक है वो नहीं छूट रहा था यहाँ अच्छे से सोयाबीन को निचोड़ लेंगे बिल्कुल बढ़िया से ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से इसको निचोड़ लेना है, इसमें पानी बल, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और ये सोया चाप स्टिक मार्केट जैसा एकदम बनेगा और बहुत ही मतलब बढ़िया मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है आप घर में कम खर्चे में कम टाइम में और टेस्टी बना के खा सकते हैं नेचुरल एकदम बढ़िया घर का घर का कुछ बात ही अलग होता है हाथों का और जब आप बनाएंगे तो अलग ही खुशी मिलती है कि हाँ हम मार्केट जैसे एकदम परफेक्ट बना लिए हैं यहाँ हम सारे न्यूट्रेला को एकदम बढ़िया से निचोड़ लेंगे एकदम बढ़िया से थोड़ा भी मतलब इसमें पानी नहीं रहना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा तो एक दो जो ट्रिक है वो फॉलो करेंगे तो एकदम बढ़िया से एकदम मार्केट जैसा बनेगा तो यहाँ हम सारे न्यूट्रेला ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से नहीं छोड़ लिए हैं इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है और आटा भी हमारा तैयार है तो आटे को लगाए हुए आधे घंटे हो गए हैं इसमें क्या करेंगे हम पानी डाल के इसका ग्लूटेन निकालेंगे ये देखिए जो वाइट वाला जो पार्ट निकल रहा है दूध जैसा वही निकालना है हमें तो हाथों से मसल मसल के बढ़िया से ताकि इसमें जाली आए और इसको बढ़िया से निचोड़ के जो इसका ग्लूटेन है वो निकालना है ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से और आटा हमारा अलग हो जाएगा ग्लूटेन अलग हो जाएगा ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से और पानी को हमें फेंक देना है मतलब यूज़ नहीं करना अगर चाहे आप तो आटा आटा लगा रहे हैं रोटी के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऐसे रेसिपी में कुछ यूज़ नहीं करना है ये देखिए दूसरे तरफ मतलब दो तीन पानी इसको अच्छे से धोएंगे ताकि इसका ग्लूटेन अलग हो जाए और इसका जो ये जाली वाला पार्ट है वही हमें काम है मतलब उसी का हमें यूज करना है रेसिपी में तो यहाँ देखिए हम दो से तीन पानी अच्छे से इसको मतलब बढ़िया से निकाल लेंगे जो ये व्हाइट वाला पार्ट है उसे ही निकालना है हमें और ये वाला पार्ट यूज़ में लेना है तो यहाँ देखिए दो पानी हम धो लिए हैं और यहाँ खूब सारा पानी निकल गया है ये देखिए इतना पूरे मग्गा में भर गया है एक पानी और हम धो लेते हैं एक बार और ताकि ये अच्छे से ये निकल जाए और ये देखिए जाली जालीदार ये बनने लगा है तो बिल्कुल ऐसे ही मसल मसल के हमें निकालना है अब कम आटे में ही ज़्यादा हमारा सोया चाप स्टिक तैयार होगा तो आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो कम आटे का ही करिए यहाँ देखिए तीसरा पानी तो बिल्कुल ऐसे ही हम मतलब साफ़ कर लेंगे तो दो तीन पानी आप धो लीजिए कम से कम तीन पानी तो जरूर धोइएगा इसको मतलब तीन पानी में अच्छे से इसको मसलिएगा और इसका जो ये वाला पार्ट है वो निकल गया है इसके अच्छे से निचोड़ के हम सारा पानी निकाल लेंगे हाथों से निचोड़ के उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ हम ले लिए हैं मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देंगे ये आटा जो जालीदार वाला मैदा का हम निकाले थे वो आटा हमें डाल देना है और क्या करना है कि इसमें जो हम सोयाबीन पहले से निचोड़ के रखे थे वो डाल देंगे तो इसमें हम न्यूट्रेला भी ऐड कर देंगे ये देखिए इसमें डालने के बाद पानी नहीं डालना है ऐसे ही ग्राइंड कर देना है बिना पानी का और कुछ ऐसा हमें मतलब मिलेगा आटा ये देखिए यहाँ हमें आटा निकल गया है मेरा अब इसको क्या करेंगे कि दस मिनट के लिए छोड़ देंगे निकालने के बाद दस मिनट बाद हम इसको फिर से रगड़ेंगे अच्छे से ताकि इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से जाली बने और हमारा सोया चाप स्टिक बिल्कुल परफेक्ट बने यहाँ हम ले लिए हैं चकले चकले पे हम रख देंगे ये वाला जो आटा निकला है मतलब आटा ही हम बोल रहे हैं इसको अच्छे से हम रगड़ेंगे दस मिनट के लिए बढ़िया से ताकि इसमें जाली अच्छे से बने और ये परफेक्ट बने तो ये वाला प्रोसेस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप ज़रूर ये करिएगा ये देखिए इसको अच्छे से रगड़ लेंगे बढ़िया से ताकि जितना ही आप रगड़ेंगे मतलब उतना ही जितना अच्छे से आप मिलाएंगे उतना ही जाली बनेगा और हमारा सोया चापस्टिक घर पे ही एकदम परफेक्ट बनेगा मार्केट जैसा आप यकीन करिएगा एकदम बहुत एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर यहाँ देखिए यहाँ हमारा आटा तैयार है उसके बाद यहाँ हम ले लिए हैं पाँच से छः चम्मच चम्मच में हम लगा दिए थोड़ा सा तेल ताकि मतलब जब ये हम उबाल के निकालें तो अच्छे से निकल जाए ईज़ली तो ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा लगाना है तो यहाँ हम चम्मच यूज़ कर कर रहे हैं आप वो आइसक्रीम का जो स्टिक होता है वो यूज़ कर सकते हैं मतलब वही करते हैं कर नहीं सकते वही यूज़ करते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है तो यहाँ हम चम्मच का ही प्रयोग कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि कम सामान में कम चीज़ों में अगर मेरे पास जो चीज़ नहीं है उसमें भी हम परफेक्ट खाना बना लें और कम चीज़ों में ही हम बढ़िया से खाना बना लें और सामने वाले को एकदम मतलब संतुष्ट कर दे कि हाँ स्वादिष्ट बना है तो वही परफेक्ट है वही परफेक्ट सेफ होता है या फिर मतलब बढ़िया है या फिर मतलब जब आपको सारा चीज़ दे ही दिए हैं हम सारी चीज़ अच्छे से तो कोई भी नॉर्मल आदमी भी अच्छे से बना लेगा तो यहाँ देखिए यहाँ स्टिक नहीं है तो हम चम्मच से ही बनाएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये चम्मच स्टील का होता है इस पर चिपकने में थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन मतलब चिपक जाता है तो यहाँ देखिए बिल्कुल ऐसे ही लपेट देंगे इसको बढ़िया से मतलब मेन प्रोसेस यही है कि आप कैसे भी इसको मतलब इसमें चिपका दीजिए बात यही है स्टिक पे इजली चिपक जाएगा क्योंकि वो लकड़ी का होता है और दरदरा होता है तो उसमें इजली चिपक जाइए देखिए परफेक्ट हमारा बनके तैयार हो गया है तो यहाँ सारे हम ऐसे ही बना लेंगे सोया चाप स्टिक तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए पानी में उबालना पड़ता है तो पानी यहाँ हम उबालने के रख देते हैं गैस पर ये देखिए यहाँ हम पानी उबालने के लिए रख दिए गैस पे और थोड़ा सा ये बचा है तो इस इसका भी हम बना लेते हैं तो एक आइडिया ये है कि देखिए ऐसे फैला लीजिए उसके बाद चम्मच बीच में रख के दोनों साइड से चिपका दीजिए तो वैसे भी आप बना सकते हैं ये देखिए ये देखिए ऐसे ही हम बीच में रख के दोनों साइड से चिपका देंगे अगर हमारी वीडियो में कोई भी आप लोगों को डाउट हो अगर कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिए आपके कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा आटा बचा है वो हमारा सारा सोया चॉप स्टिक तैयार है यहाँ क्या करेंगे कि मतलब जो हम पतीले में गर्म किए थे वो तले का मतलब पतला था चौड़ा नहीं था तो यहाँ ये चौड़े तले में डाल दिए हैं वही पानी पानी उबल चुका था पहले से ही उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे सारा स्टिक ये देखिए तो यहाँ देखिए हम पांच स्टिक मेरा बन के तैयार हुआ था एक कप एक कटोरी मतलब आटे से छोटी कटोरी थी यहाँ देखिए एक जो बचा था वो कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है तो इसको भी हम उबाल देते हैं साथ में लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे दस से पंद्रह मिनट पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा बिल्कुल अच्छे से आप ढक के भी पका सकते हैं यहाँ देखिए हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ चम्मच में अगर चिपकेगा नहीं तो मतलब ये पक गया अगर चिपकता है तो थोड़ा सा और उबाल लीजिए आप इसे मतलब बढ़िया से मतलब उबालिएगा यहाँ देखिए निकाल लेते हैं ऐसे चिमटे की सहायता से और यहाँ हमारा सारा सोया चाप स्टिक तैयार है बिल्कुल परफेक्ट घर पे कम खर्चे में कम टाइम में एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मलाई सोया चाप के साथ